हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बैंगन और मूंग दाल बड़ी की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। इसके लिए मैंने ये बैंगन लिया है। इसे पतले पतले मैंने लंबे लंबे साइज में काटा है और इसे पानी में थोड़ी देर के लिए मैंने भिगो के रखा था। अब मैं इसे निकाल ली हूँ। और ये मूंग दाल की बड़ी है, इसे आप घर में भी बना सकते हैं और बाजार में भी अवेलेबल होती है। तो इसके साथ इसकी सब्जी काफ़ी अच्छी बन के तैयार होती है। अभी ये टमाटर है, तो सबसे पहले मैं बड़ी को फ्राई करूंगी। तो मैंने ये पैन रखा है, गैस पे गर्म हो गई है। अब मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी। ये मैंने सरसों का तेल दिया है, तेल मेरी गर्म हो गई है। अब मैं ये बड़ी को फ्राई करके निकालूंगी। इसे मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। ये इस तरह से बड़ी को ये ब्राउन हो गया। मैं इसे निकाल के और इसे मैं पानी में भीगने के लिए रख दी। इससे क्या होता है, बड़ी मेरी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। मेरी कढ़ाई में तेल आई, मैं इसमें तड़के लगाती हूँ। तो तड़के के लिए मैंने 5 फोरन लिया है और तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च ली है। तो 5 फोरन मेथी, कलौंजी, अजवाइन, सौंफ और जीरा को मिला के मैं बनाती हूँ। तड़के को मैं अच्छी तरह से चटकने दूंगी। ये तड़के मेरी हो गई है, ये चटक गई है। तो मैं इसमें हींग डालूंगी और हींग मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ। हींग की स्वाद इस सब्जी में काफ़ी अच्छी आती है। वैसे तो सब ये सब्जी बनाते हैं, पर कुछ अलग तरीके से और अलग मेथड से बनाने पे काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। और ये मैं बहुत कम ही मसालों में बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने जो बैंगन काट के लिया है, इसे मैं डाल दूँ और इसे इस तरह से ढक दूँगी। इससे क्या होगा कि हींग की खुशबू बाहर नहीं आएगी। ये इस तरह से ढक के मैं इसे 2 से 3 मिनट तक गैस का फ्लेम मैं लो नहीं करूँगी। इससे क्या होगा तो बैंगन मेरी अच्छी तरह से नहीं पक पाएगी। तो हम लोग बैंगन की सब्जी बनाते हैं तो गैस की फ्लेम लो नहीं करते हैं, हाई फ्लेम पे इसे 2 मिनट के करीब मैं रहने देती हूँ, फिर चेक करती हूँ। ये 2 मिनट के करीब हो गया है। अब मैं इसका ढक्कन हटा के इसे मिक्स कर देती हूँ इस तरह से। इससे क्या है, मैंने जो ये 5 फोरना और हींग की भी उसकी खुशबू सब्जी में बनी रहती है और जो कि काफ़ी अच्छी लगती है खाने में भी। मैंने इसे मिक्स किया है और मैं इसे फिर से ढक दूंगी इसी तरह से। ये इस तरह से सॉफ्ट हो रही है। और आप देख रहे हैं बैंगन से भी क्या होता है, पानी निकलती है, क्योंकि मैंने बैंगन को धो के पानी में भिगो के रखा था। इसी टाइम मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालूंगी और ये थोड़ा सा क्रश करके मैंने ग्रेट करके ही जिंजर लिया है अदरक। इसकी स्वाद बहुत अच्छी आती है। और इन दोनों को मिला के मैं इसे भूनूंगी। अभी इसके बाद मैंने भून लिया है। मैं इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ। तो ये 1 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और धनिया पाउडर डालूंगी मैं। साथ में मैं इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल दूंगी। तो ये ज़्यादा ग्रेवी इसकी अच्छी होती नहीं है, इसलिए मैंने 1 चम्मच में नमक दिया है। ये जब बन के तैयार होती है तो ग्रेवी इसकी अच्छी नहीं लगती है, ये मिली रहती है सब्जी के साथ तो ही अच्छी लगती है। और मैं इसे 5 मिनट के करीब भून लेती हूँ। ये सारे मसालों के साथ मैंने इसे भून लिया है। देखिए अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, पानी सूख गई है। अब मैं इसी टाइम इसमें ये बढ़िया जो मैंने भिंगो के रखी है पानी के साथ ही डालूंगी और इसे पहले मिक्स कर लूंगी। और मिक्स करके मैं इसे बिना ढके पहले 2 मिनट तक पकाऊंगी। ये मैंने इसे पकाया है। अब देख रहे हैं मैंने जो बड़ी को भिंगो के रखा था पानी में, उसे पूरी तरह से सूखने तक मैं इसे बिना ढके हुए पका लूंगी। पानी लगभग मेरी सूख गई है। इससे क्या होता है तो मसाले के साथ साथ वो अच्छी तरह से बैंगन में मिक्स होती है और फ्राई भी हो जाती है, अच्छी कलर भी आती है। ये लगभग सूख गई है, ये सूख गई है। इस टाइम मैं इसमें 2 टमाटर मैंने 2 लिए हैं, क्योंकि ये सब्जी थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। तो मेरे टमाटर उतने खट्टे नहीं थे, अगर खट्टे हो तो आप थोड़ी सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से टमाटर डालिएगा।
अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के अब इसे कुक करूंगी अच्छी तरह से कि बढ़िया भी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैंने बड़ियों को भिंगो के रखा था तो बढ़िया मेरी जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये मैंने इसके हिसाब से पानी डाला है, क्योंकि ज़्यादा पानी तो मुझे रखना नहीं है। और मैं इसमें एक डालती हूँ सांभर मसाले डालती हूँ, जो इसकी स्वाद को काफ़ी अच्छी बनाती है। अगर आप नहीं डालती हो तो डाल के देखिएगा। तो ये एक चम्मच मैंने सांभर मसाला डाला है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। अब मैं इसे ढक के अच्छी तरह से 5 मिनट तक कुक करूँगी। इसे मैंने 5 मिनट के करीब कुक किया है, देखती हूँ ये अच्छी तरह से कितनी अच्छी तरह से पक गई है। बड़ी भी सॉफ्ट हो गई है और ये सब्जी बढ़िया। मैं इसमें हरे धनिए की पत्ती डाल दूँगी। मैंने धनिए की पत्ती डाल दी है। इसमें आप ड्राई मैंगो अगर मिल जाए तो डाल सकती है, अगर नहीं है तो अमचूर पाउडर भी। थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है तो मैं इसे, नहीं तो मैं ये मैंगो पिकल होती है उसके मसाले निकाल के ये डाल के और इसे ढक के मैं, इससे इसकी स्वाद काफ़ी अच्छी आती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। ढक के मैं इसे 1 मिनट के करीब पका लूँगी। ये 1 मिनट हो गया है, मैं इसी की ढक के देख ली। मूंग दाल वाली और बैगन की सब्जी मेरी बन के तैयार है। इसे गर्मा गर्म चपाती चावल जिस चीज़ के साथ खाइए ये बहुत ही अच्छी लगती है। गैस की फ्लेम मैं ऑफ करती हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और मेरे इस पे कॉमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।